सो लेट्स स्टार्ट विद सिलेबस. हम सिलेबस से शुरू करते हैं. सिलेबस, अब आप कहोगे कि सिलेबस क्यों पढ़ा रहे हो आप, कि इसकी जरूरत क्या है और इसको हमें समझाने की जरूरत क्या है. मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, नियरली मोर देन 50% स्टूडेंट डजंट नो द सिलेबस. वो सिलेबस जानता ही नहीं है. और सिलेबस ना जानने के परिणाम क्या हो सकते हैं, रिजल्ट क्या होता है, ये सुन लो. मैं तुमसे कहता हूँ कि भैया एक काम करो, यहाँ से 3 किलोमीटर जो है वो जाओगे तो मेट्रो मिल जाएगा, स्टेशन मिल जाएगा. तुमने कहा सर मेट्रो पकड़नी है, कहाँ जाएं, 3 किलोमीटर जो है वो चले जाओ मेट्रो चला जाएगा. अब एक स्टूडेंट जो है वो नॉर्थ में चला गया, दूसरे से मैंने कहा 3 किलोमीटर नॉर्थ जाओगे तो मेट्रो मिलेगा. अब वो जो है एक चला गया नॉर्थ और दूसरा निकल गया साउथ. कुछ देर बाद मुलाकात हुई, तुम एकदम तमतमाए हुए गुस्से से, बोले सर मैं 3 किलोमीटर चलता रहा उसके बाद भी मेट्रो नहीं पहुंचा. पर सवाल है कि तुम 3 किलोमीटर तो चले, डायरेक्शन तुम्हारी कहाँ थी? ठीक है, जाना था तुम्हें नॉर्थ और तुम चले गए साउथ. जो नॉर्थ पहुंचेगा यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन राइट डायरेक्शन. सो एक्चुअली में जो सिलेबस होता है वो तुम्हारा डायरेक्शन है, वो तुम्हारा मैप है. तुम्हें कहाँ जाना है ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कई स्टूडेंट आते हैं और मैं उनसे जैसे कोई भी पूछ लेता कि डेवलपमेंट वर्सेज एक्सट्रीमिज्म, ये जो पॉइंट है वो किस पेपर में है. अब उन्हें नहीं पता होता किस पेपर में, पेपर 1 में, 2 में, 3 में, बस वो पढ़े चले जा रहे हैं. दूसरा फायदा देखो, मान लो सपोज दैट तुम्हारे सामने जो है वो एक न्यूज़पेपर आता है, हिंदू, जागरण, जो भी आप पढ़ते हो. अच्छा, बहुत लोग कहते हैं सर बड़ा टाइम लग जाता है, 3 घंटे 3.5 घंटे, समझ में नहीं आता इसमें क्या पढ़े और क्या ना पढ़े. सवाल ये, एक्चुअली ये बच्चा उसी समय बता देता है कि उसको सिलेबस पे कितनी कमांड है. अगर आप सिलेबस पकड़ लेते हो सो आपको समझ में आएगा यार केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, फलाने चीज़ के अगर इससे हमें कोई लेना देना नहीं है. कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें ये इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट लग रही हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इसमें क्या लिखा हो, ये छोड़कर सब कुछ पढ़ते हैं. तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपको क्या होना चाहिए, सिलेबस पर अपनी कमांड होनी चाहिए. और जिस दिन आज से अगर आप जुड़ रहे हो तो याद रखना, ये मैं चाहता हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर आपको पूरा कंठस्थ आपको पूरे याद हो जाना चाहिए. रिसाइट कर लो इसको, अगर तुम यूपीएससी में जाना चाहते हो यही तुम्हारा 50% सफर जो होगा यही कंप्लीट हो जाएगा. ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे दिमाग को मैग्नेट में कन्वर्ट करेगा. कैसे? सपोज दैट तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, अब आज मान लो कोई मुद्दा आया, कोई फीमेल से रिलेटेड मुद्दा है, ठीक है, तो तुमने जैसे ही पढ़ा, ओहो ये जो है वो किस में जाएगा, पेपर 1 में, सोशल इश्यूज में, फीमेल रिलेटेड है, तुमने क्या किया वहीं पर लिखना शुरू कर दिया. जिस दिन तुम न्यूज को GS पेपर 1, GS पेपर 2 इस वे में लिखना तुमने शुरू कर दिया, समझ लेना तुम्हारा मैक्सिमम काम हो गया. अब जैसे तुम न्यूज पेपर खोलोगे तुम्हें ये पता चलेगा कि मुझे किस हिस्से में पढ़ाई करनी है. कहीं से भी अगर एग्रीकल्चर का मुद्दा आ गया, मान लो कि भाई सरकार जो है वो कोल्ड स्टोरेज बना रही है और जो है आप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग दोनों को मेंटेन करना चाह रही है, ठीक है, बनाया गया ताकि जो किसान है वो अपना सामान कुछ समय तक स्टोर करके रख सके और जब ऑफ सीजन आए तो उसको बेचकर क्या कर सके, लाभ कमा सके. जनरली आप लोगों ने देखा होगा जब टोमेटो पोटैटो मार्केट में ढेर सारा आ जाता है तो सड़कों को फेंकना पड़ता है. सो वी नीड लॉट ऑफ कोल्ड स्टोरेज. तो वेयर इज द कोल्ड स्टोरेज? अब तुम्हें पता होगा कि देर मस्ट बी अ पॉइंट ऑफ सिलेबस, जो हमारे सिलेबस में पॉइंट है वो है आपका अपस्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग. तो तुम्हें पता होना चाहिए दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ अपस्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग, जब हम उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं और जब हम उसको मार्केटिंग के लिए भेज रहे हैं. सो दैट इज अब मार्केटिंग के लिए जब हम भेजते हैं उसको बेचने का काम करते हैं, उसका वितरण यानी उसका जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं दैट्स कम इनटू द पार्ट ऑफ डाउन स्ट्रीमिंग. सो ये वर्ड तुम्हारे सिलेबस में कहाँ है? अगर ये तुम्हें नहीं पता होगा कि जीएस पेपर 3 में ये हिट कर रहा है सो तुम्हारे लिए सब कुछ वेस्टेज है. ये न्यूज़पेपर आएगा और आकर चला जाएगा. आप लोग आश्चर्य करोगे, मैं आप लोगों को कुछ बच्चों से मिलवाऊंगा जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं. अब मैं उनका डीएपी तैयार करने के लिए मैं कुछ नोट डाउन करने बैठा, मैंने कहा बेटा क्या क्या पढ़ लिया उसमें, तो बड़ा शर्मा रहा था. मैंने कहा क्यों शर्मा रहे हो? बोला सर मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी. अच्छा, इंटरव्यू दे रहा है? फिर मैंने कुछ किताबों के नाम पूछे, बोला सर ये भी नहीं पढ़ा. तो वो उसको लग रहा था बड़ा लज्जित हो रहा, मतलब वो बहुत शर्मा रहा कि सर हमने तो कुछ ऐसा पढ़ा नहीं, इंटरव्यू दे रहा है वो. फिर मैंने कहा क्या किया? बोला कुछ नहीं सर, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे, सारे क्वेश्चन लगा डाले थे, ठीक है, और जो भी एनालिसिस पे बैठ के सोचते थे कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. देखो अंदर, बोला सर कोई भी स्टैंडर्ड बुक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी, सिंपल एक एक किताबें जो है वो मैंने हर सब्जेक्ट पर पढ़ा, बस यही मैंने किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, वो भी ऑप्शनल के लिए. बाकी मेरा पूरा जो है वो करंट ओरिएंटेड था और सब कुछ मैं ऐसे कर रहा था. मिलवा दूंगा तुम्हें इस क्लास में, वो भी प्रिपरेशन के लिए आया हुआ है. सो ऐसे भी बच्चे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ले पोथी और इस बार रोते घूम रहे हैं मेंस नहीं निकला. सो इसका सीधा सा मतलब है कि जो यूपीएससी है बहुत एप्लीकेबल हो चुका है, पर सवाल है कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो. इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, मैंने इसीलिए आप लोगों को एक कॉपी दी है इसी वजह से, ताकि आप जो है वो सिलेबस पे पूरी कमांड बनाकर रखो. अगर सिलेबस तुम्हारे हाथ से छूट गया सो समझ लो सारा मामला साफ है, डन. तो चलो हम लोग बात करते हैं पेपर 1 में. आज हम लोग इसके वर्ड्स को समझते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या चीजें हैं और ये वो कैसे हिट करती हैं.
और हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको छोड़कर बाकी सब पढ़ लेते हो। चलो, पेपर वन में जो पहला टॉपिक है वो है इंडियन कल्चर विल कवर द सैलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर एंड आर्किटेक्ट फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, यानी भारतीय संस्कृत में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू। क्या क्या कह रहा है? ये कह रहा है आर्ट फॉर्म, दूसरा लिटरेचर और तीसरा आर्किटेक्चर, वास्तुकला। राइट, हर साल यहां से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। पर मैं जो तुम्हें सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये कि ये क्यों पढ़ना है और दूसरा कहां से पढ़ना है, फ्रॉम वेयर, क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत है तुम्हें पढ़ाने की। सीधी सी बात है, जो हमारा कल्चर है वो कंटिन्यूअस कल्चर है, लगभग कहा जाता है कि 5000 ईयर ओल्ड हमारा कल्चर है, और इसमें दौरान तमाम जो धर्म हैं, तमाम जो रिलीजन है, तमाम जो अलग अलग जो आपके स्पेसिफिकेशंस हैं, वो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे साथ आकर मिलते चले गए। यहाँ पर जो है वो विदेशी भी आए, यहाँ पर मुगल भी आए, यहाँ तुर्क भी आए, फारसी भी आए, और क्या हुआ, धीरे धीरे वो इसी भारतीय कल्चर में, इंडियन कल्चर में एसिमिलेट होते चले गए। विद द हेल्प ऑफ एसिमिलेशन ऑफ ऑल दिस कल्चर वी हैव वैरायटी ऑफ कल्चर इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री, और ये जो वैरायटी है वो हमारे आर्ट फॉर्म में भी है। जहांगीर एक अलग तरह की पेंटिंग करता था, ठीक है, और अगर एलोरा में जाओगे, अजंता में जाओगे, तो वहां में अलग तरह की पेंटिंग दिखाई पड़ेगी। हमारा जो अगर हम बुद्ध के ही बात करें तो बुद्ध में तुम देखोगे जो मथुरा शैली है दैट इज अ टोटली डिफरेंट, जो गांधार शैली है दैट इज अ टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो, जो एक वैरायटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑफिसर के रूप में आपको एक पूरे कंट्री में काम करना पड़ेगा, और इस पूरे दौरान आपको क्या होना चाहिए, वहां के आर्ट फॉर्म, वहां का लिटरेचर, साहित्य भी हमारे पास देखो कितना है। अगर हम केवल इंडिया को दो में बांट दें, नॉर्थ और साउथ, तो द्रविड़ियन आपका क्या है, लिटरेचर बिल्कुल अलग है, और हमारा जो आर्यन का लिटरेचर है वो क्या है, अलग है, ठीक है। हम ये देखते हैं इसी तरह हमारे लिटरेचर में क्या होता है, बहुत वैरायटी पाई जाती है। संस्कृत लिटरेचर एक अलग तरीके से दिखाई पड़ता है, द्रविड़ियन लिटरेचर एक अलग तरीके से दिखाई पड़ता है, और जो रीजनल लिटरेचर है वो एक अलग तरीके से दिखाई पड़ता है। सो ये जो विविधता है, ये जो डाइवर्सिटी है, वो हमारा बेसिक फैब्रिक है, वो हमारा मूल तत्व है, और अधिकारी के रूप में यानी एक आने वाले समय में एक ऑफिसर के रूप में आपको इस फैब्रिक की जानकारी भी होनी चाहिए, और इस फैब्रिक को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर रहेगी। क्योंकि अगर ये फैब्रिक डिस्टर्ब हुआ तो जो हमारी विविधता में एकता, यानी कि जो डाइवर्सिटी हमारी, वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। सो आपको जो ये पर्पस है वो अपने इंडिया को जानने का बेसिक पर्पस है, राइट, और ये बेसिक है कि हम कहां से आए। फ्रॉम वेयर वी इवॉल्व, पहला, राइट। इसके लिए आपको बेसिक जो एनसीईआरटी है, या क्लासरूम में तो खैर पढ़ाया जाएगा, जो बेसिक जो है एनसीईआरटी है वो आप पढ़ सकते हो, सीसीईआरटी की जो बुक है वो पढ़ सकते हो, या जो कंटेम्पोररी, जो सबसे बेस्ट होता है, जो फ्रंट लाइन या जो कंटेम्पोररी चल रहा होगा, केवल उतना ही पढ़ना आपके लिए बहुत है, ठीक है। बेसिक यूपीएससी जानना क्या चाहता है, जानना ये चाहता है कि जब भी आप किसी भी चीज को जानने की कोशिश करिए, सपोज दैट मान लो इंडिया में मुगल आते हैं, ठीक है, सो मुगल केवल यहां पर एक शासक बन के तो नहीं आते ना, बाद में वो अपनी इमारतों का निर्माण भी करते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो आर्किटेक्चर जो होता है, उस पर्टिकुलर जो कल्चर होता है उसका क्या होता है, एक रूपांतरण होता है, उनका अपना एक लिटरेचर होगा, उनका अपना एक आर्ट फॉर्म होगा। सो आपको ये बताना है कि जिस तरह से आपने देखा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली से हम इवॉल्व होते हुए, डेवलप होते हुए यहां तक पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली हमारे साथ क्या होगा, एक जो वैरायटी ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी, ये सब तो चल रही होगी, तो हमें वो लेकर चलना है। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो तो आपको दिखाई पड़ता है, अच्छा वो देखो लाल किला, तो सवाल ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था कि लाल किला इस प्रकार का आर्किटेक्चर क्यों है, क्योंकि लाल किला का आर्किटेक्चर और जो आपके साउथ के मंदिर हैं, मंडपम है, क्या दोनों का आर्किटेक्चर सेम है? दोनों अलग अलग काल में है, दोनों अलग अलग राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। जो खजुराहो के मंदिर हैं, क्या वो उनका आर्किटेक्चर और जो आपका ताजमहल है, दोनों का आर्किटेक्चर सेम है? नहीं। सो जो अगर उनमें विविधता है, तो ये विविधता तुम्हें प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करनी चाहिए। ये देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू आर्किटेक्चर, दोनों के शेप में, दोनों के टाइम में, और दोनों की सोच में, थिंकिंग में क्या अंतर है। सो यहां पर आप सबसे पहले इस पर आओगे। सेकेंड देखते हैं,
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मिडिल टू 18 सेंचुरी। अब क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, महत्व क्या है। दूसरा कह रहा है इवेंट्स क्या है, इसके प्रमुख घटनाएं क्या हुई, इसमें कौन कौन सी पर्सनालिटीज थी। सिलेबस अगर ढंग से अगर तुम्हारे दिमाग में है ना, क्वेश्चन तुम बता के जाओगे, इस बार यही क्वेश्चन आएगा, देखते जाओ कैसे। और इश्यूज क्या रहे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। माना जाता है औरंगजेब जब उसकी डेथ हुई 1707 में, वहां से हमारा मॉडर्न इंडिया जो है इवॉल्व होता है। मुगल जिनके टाइम में पूरा इंडिया एक यूनिफाइड था, और उसके बाद क्या हुआ, ढेर सारी ताकतें आने लगी, धीरे धीरे जो विदेशी शक्तियां, जो ब्रिटिशर्स थे, जो फ्रांसीसी थे, जो डच थे, वो पुर्तगालीज थे, वो भारत में उन्होंने क्या किया, आना शुरू किया, और भारत पे एक नया जो है वो शक्ति आई। सवाल है उसके बाद जो है हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को इवॉल्व करने, यानी हमारा आधुनिक भारत, ये वो टाइम था जहां पर हमारे अंदर नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट आया। अगर आज हम जो कुछ भी हैं, आज की जो भी हमारी पाई जा रही है, वो हमारी लीजेसी हमारे उस फ्रीडम स्ट्रगल में छुपी हुई है, ठीक है। जो गांधी ने आंदोलन किया, आज भी आपने देखा होगा जब अन्ना हजारे आंदोलन करते हैं, कंटेम्प्रेरी चीजें देखो तो वो क्या करते हैं, वो एक जो है वो अहिंसक आंदोलन करते हैं, आमरण अनशन पे बैठ गए। अब आमरण अनशन मतलब खुद को कष्ट दूंगा लेकिन अपनी जो बात मनवाना चाहता हूं वो मनवा लूंगा, ये किसने दिया भारत को, गांधी ने दिया। सो गांधी की ये लेजेसी कि मैं तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बंदूक नहीं उठाऊंगा, और एक ऐसा आंदोलन है जिसके सामने सभी के क्या हो जाते हैं, हाथ उठ जाते हैं, इसको मैं मारू तो कैसे मारू, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, हाम ही नहीं कर रहा ये, तो मैं इसको मार ही कैसे सकता हूं। सो वो जो लीजेसी थी, वो जो ब्रिटिशर्स ने हमें चैलेंज किया, अरे तुम काले लोग अपना शासन नहीं चला सकते, यू ब्लैक पीपल आर नॉट एलिजिबल फॉर सेल्फ रूलिंग, बोले अच्छा हम करके दिखा देंगे, एंड वी ऑल्सो इवॉल्व अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी वैल्यूज थी, और उस वैल्यूज में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, जो हमने सबसे महत्वपूर्ण सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट रखा, जो हमने धर्म निरपेक्षता का रखा, कि भारत में इतने धर्म होने के बावजूद भी और हिंदुओं के जो है वो बहुसंख्यक यानी मेजोरिटी होने के बावजूद भी हमने क्या रखा, सेक्युलरिज्म की तरफ गए, कि कोई भी राष्ट्र का कोई भी जो धर्म नहीं होगा, उसके पीछे कौन सी चीजें थी। सो वहां पर इस मॉडर्न इंडियन जो आपका स्ट्रगल है उसका सिग्निफिकेंस महत्व क्या है, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, और आइडेंटिफिकेशन के समय मैं क्यों तुम्हें बता रहा हूं, जो उस समय हुआ क्या आज वो हो सकता है, उसके रीजन क्या थे, क्या वो आज हो सकता है, क्या उस समय जो ब्रिटिशर्स ने इनइक्वलिटी पैदा की थी, क्या आज जो है वो कैपिटलिज्म वो इनइक्वलिटी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर उस समय भी असमानता हो गई थी, आज भी असमानता, देखो अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है। सो सवाल है कि क्या वो चीजें, आपको इस लहजे से सोचना है, जब आप पढ़ाई यहां कर रहे होगे तो उसके सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करोगे, महत्व क्या था, क्या हमने किया, क्यों हम अहिंसक आंदोलन की तरफ गए, और क्यों गांधी ने कहा कि पॉलिटिकल हमें फ्रीडम मिले चाहे ना मिले, पहले हमें सोशल फ्रीडम चाहिए। तो सवाल है कि सोशल इविल्स क्या क्या थे, जाति प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, जो विडो रिमैरिज का ना होना, सती प्रथा, ठीक है, और कन्याओं की हत्या, ये सब जो हमारे यहाँ क्या थे, ये हमारे सोशल इविल्स थे। तो सवाल ये है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कोई सोसाइटी सोशल इविल्स के साथ कभी प्रोग्रेस कर सकती है, क्या ये सोशल इविल्स तुम्हारे यहाँ आज नहीं है, क्या आज चाइल्ड मैरिज नहीं हो रही है, क्या आज जो है वो जो फीमेल फोर्टिसाइड एबॉर्शन नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे। तो सवाल है कि हमने क्या पाया और हमारा उसका जो है महत्व क्या है। सेकंड, इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब हुआ, अगर गांधी असहयोग तक पहुंचते हैं तो गांधी साउथ अफ्रीका से भी तो आते हैं और वहां पर एक अलग लड़ाई लड़ते हैं, वहां से कुछ अलग एक्सपीरियंस देखते हैं। अगर 1907 में सूरत विभाजन होता है, सूरत डिवीजन होता है, और नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट और जो आपके सेगमेंट जो नरम दल के लोग होते हैं, जब ये अलग अलग होते हैं, उसके पीछे क्या जो है वो महत्व रहते हैं, ऐसा क्या था जो पहले नहीं था और जो बाद में वो अचीव करना चाह रहे हैं। इसका मतलब होता है, इवेंट्स का यहाँ सीधा सा मतलब होता है घटनाएं, घटनाओं का मतलब होता है क्रम यानी सीक्वेंस। सीक्वेंस सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे पूछा गांधी के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधी के आंदोलन का सही क्रम है, अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण, ठीक है। अब आपको क्या है, वो तुमसे दूसरी चीज जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में जब तुमने किसी चीज को डेवलप होते हुए देखा, अब गांधी सबसे पहले जब आते हैं तो अपना पहला आंदोलन कहां शुरू करते हैं, चंपारण, किस लिए, तिनकठिया, जो नील की खेती के लिए होता है, बहुत बेसिक होता है। उसने क्वेश्चन क्या बताया कि निम्नलिखित में से तीन आंदोलन ए बी सी दे दिया, 1 2 3, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इसमें गांधी के आंदोलन का सही क्रम बताइए, द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द
गांधीज मूवमेंट, ठीक है, तो पहले अहमदाबाद दे दिया, फिर खेड़ा दिया, फिर चंपारण अहमदाबाद खेड़ा, तो वो ये क्या जानना चाहता है, यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछना क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि जब भी कोई पर्सनालिटी डेवलप करती, कोई अपना मूवमेंट आगे लेकर चलती है, सो वो मूवमेंट हैपजार्डली नहीं होगी, क्योंकि आईएएस अधिकारी के तौर पर आप हैपजार्डली काम नहीं करोगे, वो क्या होगा, एक सीक्वेंस में जाएगी। तो यहां पर आपको इवेंट्स भी फोकस करने की जरूरत है कि नरम गरम कैसे आया, ठीक है। या अगर हम बात करें तो जब गांधी का असहयोग आंदोलन जो फेल होता है भारत छोड़ो असहयोग से, तो उसके बाद ही आपने देखा होगा कि भगत सिंह और जो चरमपंथी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वायलेंट्स हैं, वो क्या होता है, अचानक से ऊपर की तरफ, उन्हें लगता है कि यार इस सबसे मेथड से भारत को आजादी नहीं मिल पाएगी, तो फिर वहां पर क्या होता है, वो चाहे सावरकर हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने आप को लेकर आगे जाते हैं। तो सेम जो होता है वो इवेंट्स यहां पर आता है। देन पर्सनैलिटीज, व्यक्तित्वों के बिना मास मूवमेंट्स नहीं होते, ठीक है। कौन है, मतलब जनता जो है वो लाठी खाने को तैयार है, लेकिन उनको ये बताएगा कौन कि तुम्हारी आजादी का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर फ्रीडम। सो एक आदमी आता है, वो उनके अंदर जागरूकता डालता है कि देखो ऐसा हो सकता है। किसने बताया काले लोगों को अफ्रीका के कि तुम भी जो है वो केवल त्वचा के रंग की वजह से, यानी कि स्किन के कलर की वजह से जो है वो श्वेत लोगों से कमतर नहीं हो, मानव होने के नाते, ह्यूमन होने के नाते तुम्हारी भी वही वैल्यू है जो व्हाइट पीपल की है, यानी उसके जो राइट्स है वही तुम्हारे भी राइट्स है। क्यों तुम फुटपाथ पे नहीं चल सकते और वो चल सकता है, क्यों तुम उस बेंच पे नहीं बैठ सकते। और यहीं से क्या होता है, एक इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स होता है। जब मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में जाकर खड़े होते हैं कि क्यों क्यों हम तुम्हारे त्वचा के कलर की वजह से हम तुम्हारे दास क्यों बने, वाई वी आर द स्लेव्स, और तुम जो है मालिक बन जाओ, तुम्हारे लिए कुछ अलग काम है और मेरे लिए कुछ अलग काम है, वाह क्या बात हो गई। सो ये तो ईश्वर का दिया हुआ है ना, हम भाई उस जलवायु प्रदेश में, हम उस क्लाइमेटिक, अब जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा जहां सूर्य की गर्मी ज्यादा पड़ रही है वहां पर मेलेनिन पाया जाएगा, और मेलेनिन की वजह से स्किन का कलर क्या हो जाएगा, लो अब उसमें सूरज की किरणें आ रही हैं, आप एक ऐसे क्षेत्र में हो जहां पर हवाएं नीचे की तरफ बैठ रही हैं, तो इसका सबडक्शन एयर में जब वहां बारिश नहीं होगी उसमें मेरी क्या गलती भाई, लेकिन तुमने मुझे जो अपना गुलाम बना लिया। सो यहां पर क्या होगा, पर्सनालिटीज इन्वॉल्व होती हैं, और पर्सनालिटीज की एक विचारधारा होती है, जहां पर मैं तुम्हें लाना चाहता हूं वो क्या होता है, उनके एक थॉट्स होते हैं। तुम्हें गांधी को नहीं पढ़ना है, तुम्हें गांधी का थॉट पढ़ना है, तुम्हें गोखले को नहीं पढ़ना है, तुम्हें गोखले का थॉट पढ़ना है, तुम्हें जवाहरलाल नेहरू को नहीं पढ़ना, तुम्हें जवाहरलाल नेहरू का थॉट पढ़ना है, क्योंकि यही थॉट जो होते हैं वो हमारी कंट्री को प्रोग्रेस कराते हैं, हमारी कंट्री को आगे लेकर जाते हैं। जब गांधी कहते हैं कि नहीं हिंसा नहीं, नो वायलेंस, तो वो हमारी क्या होता है, डीपीएसपी में भी आता है। जब नेहरू कहते हैं, गांधी कहते हैं कि नहीं ग्राम स्वराज होना चाहिए, राइट, तो नेहरू कहते हैं नहीं ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होते हैं यही हमारे मॉडर्न इंडिया के क्या है, नए टेंपल्स हैं, और वहां पर क्या होता है, वो अपने थॉट्स को प्रिवेल कहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जैसे कि यूएसएसआर में हुआ वैसे हमारी कंट्री में भी क्या होना चाहिए, प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, और हम प्लान्ड इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ेंगे, राइट। सो ये जो थॉट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारी पूरी इकोनॉमी को, पूरी कंट्री को मूवमेंट कराते हैं। सब लिखते जाना, नहीं तो तुम आगे भटक जाओगे कि क्या बात है। और इश्यूज, मुद्दे अक्सर ऐसे होते हैं जो उस समय भी प्रिवेल हैं, आज भी हैं और रहेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी में। ये मेंस के लिए तो समझ लो हार्ट में बैठा हुआ है, इश्यूज, राइट, इश्यूज, मुद्दे। मुद्दों की खास बात होती है, इनका एक पास्ट होता है, इनका ये प्रेजेंट में भी होते हैं, और ये जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी सॉल्व हो जाए। हिंदू मुस्लिम एकता, ये उस समय भी एक मुद्दा थी, आज नहीं है, ये कॉम्युनल हार्मोनी को सेट नहीं करता, बिल्कुल करता है, ठीक है, नहीं संभाल पाए, नतीजा क्या रहा, 1947 का विभाजन। क्या उस समय जो है जब गांधी ने वर्ड दिया हरिजन, तो क्या आज वो खत्म हो गया कास्ट सिस्टम तुम्हारे यहां से, तो मुद्दा तो आज भी है। गांधी ने कहा जो सप्रेस क्लास है, जो गरीब है, जो किसान था उस समय भी मर रहा था, कि आज किसान जो है मर्सिडीज में चल रहा है, आज भी आत्महत्या कर रहा है, उस समय भी साहूकारी थी, और साहूकारों ने उस समय जो क्या किया था, किसानों की ऐसी तैसी कर दी, रख दी मनी लेंडर्स ने, क्या आज नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली आज भी वही है। तो सवाल है कि वो इश्यूज उस समय क्या थे और आज क्या है। जब कॉर्नवालिस जमींदारी को लेकर आता है और आगे चलकर महलवाड़ी और रैयतवाड़ी आती है, सो आज क्या उस तरह के मनी लेंडर्स और जो है वो नहीं है, है कि नहीं है, वो जमींदार आज नहीं है, डेफिनेटली है, बस चेहरा बदल गया उनका, उनका चेहरा बदल गया। आज भी लोग जमीनें क्या कर रहे हैं, जो अब जो सरकारी अधिकारी हैं, जो ताकतवर पूंजीपति हैं, वो भी जमीनें को एक्वायर कर रहे कि नहीं कर रहे, और वो भी संघर्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो सेम चीज यहां पर चल रही है, आपको इश्यूज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, राइट। इस वे में पढ़ोगे यूपीएससी से आसान एग्जाम नहीं है कोई, आइडेंटिफाई करो
और बिल्कुल क्रक्स तोड़ दो उसका। डन। थर्ड पॉइंट, द फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस। अब फ्रीडम स्ट्रगल के स्टेजेस पूछ रहा है, स्टेजेस चरण। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख चरण। अब चरणों में क्या है, चरणों का मतलब होता है हम कैसे इवॉल्व होते हैं, हम कैसे आगे बढ़ते हैं। आपको आइडेंटिफाई, शांत से किताब रखोगे और सोचोगे, ठीक है हम सबसे पहले हमने शुरू किया था अंग्रेजों को चिट्ठी पत्र लिख के देते थे, ठीक है हम पेपर्स लिख के भाई हम रिक्वेस्ट करते थे, और एक समय ऐसा भी आया कि जब हमारे क्रांतिकारियों ने गोली चलानी भी शुरू कर दी, एक समय ऐसा आया कि जो जो इंडियन नेवल सर्विसेज के अधिकारियों ने म्यूटिनी तक कर दी, बोला हम नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, हम कैसे कैसे हमने जो है वो एक नेशन की बात को समझा कि हम भारतीय जो है वो एक गुजराती बंगाली बिहारी यूपी के नहीं है, हमारी एक नेशनैलिटी है, एक नेशनल कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट को क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज एक अधिकारी के रूप में एक्चुअली में आपको वही वैल्यू इनहेरिट करानी है कि हमारी जो रीजनल आइडेंटिटी, अरे तुम तो बिहारी हो, हम तो यूपी के हैं, तुम राजस्थानी हो, हम तो बंगाली हैं, तो ये क्या करेगा, तुम्हें सेग्रीगेट करेगा, तुम्हें विभाजित करेगा। जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनैलिटी है वो सबसे सुपीरियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो हमने कैसे डेवलप किया इस फ्रीडम स्ट्रगल को, स्टेजेस कैसे लेकर आ गए, क्या कारण था कि महिलाएं भी, जो उस समय की महिलाएं जो पर्दे में थी, जो दहलीज के अंदर थी, वो जो फीमेल्स थी वो इतनी ताकतवर हो गई कि उन्होंने बाहर निकल के लड़ाई में जाना शुरू किया, बोला हम भी लाठी खाएंगे अपने पति के समान, लेकिन हम घर में नहीं रहेंगे। और कई महिलाएं तो क्रांतिकारी तक हो गई, उन्होंने कहा कि हम बंदूक भी उठा लेंगे, जैसे दुर्गा भाभी कि बोला कोई बात नहीं है हम इन अंग्रेजों को जो है हटाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो सवाल है कि हमारा जो डेवलपमेंट रहा वो बंग भंग आंदोलन, जब हमने जो है करजन ने बंगाल को बांटा था तब से लेकर 1947 तक हमने किन स्टेजेस में इसको डेवलप किया, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसको। इसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुम देखोगे अक्सर स्वतंत्रता आंदोलन में कोई फीमेल अगर इन्वॉल्व है, खटाक से हर साल एक क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन तुम यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब कंट्रीब्यूशन में क्या केवल मेल्स ने पार्टिसिपेट किया था, क्या केवल एलीट क्लास ने पार्टिसिपेट, क्या केवल जो है वो जो अगर हम बात करें तो जो हमारे पॉलिटिशियन है केवल उन्होंने किया था, नहीं, इसमें क्या हुआ था, सभी का पार्टिसिपेशन था। जब कोई मास मूवमेंट होता है, व्हेन देयर इज अ मास मूवमेंट इन एनी कंट्री, तो उसमें सभी की इन्वॉल्वमेंट होती है, चाहे वो डायरेक्ट हो और चाहे वो इनडायरेक्ट हो। कई लोगों ने क्या किया था, अपनी नौकरी छोड़ दी थी, कई लोगों ने अपनी सैलरी दान कर दी थी, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से क्या था, इन्वॉल्व था। तो सवाल है कि उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किसके किसके और क्या क्या थे। कुछ लोगों को ये लगा कि नहीं देश के अंदर नहीं कर सकते, तो देश के बाहर जाकर उन्होंने किया। गदर पार्टी की स्थापना हुई कि नहीं, लाला हरदयाल ने किया। और जब सुभाष चंद्र बोस जो कि कांग्रेस में बहुत एक्टिव थे, उन्होंने क्या किया, आजाद हिंद फौज बना ली, बोले हम बाहर से जो है मदद ले आकर इन ब्रिटिशर्स को खत्म करेंगे, सभी का कंट्रीब्यूशन था। और उठाकर देख लो हर साल तुम्हें क्वेश्चन एनी हाउ मिलेगा ही मिलेगा। तो सवाल है कि वहां पर जो तुम्हारा पढ़ने का तरीका होगा वो क्या है, द वे ऑफ लर्निंग इज अ टोटली डिफरेंट। नेक्स्ट है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीजन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद द कंट्री। अब सवाल है कि जब ब्रिटिश भाग कर गए, इंडिया से भाग कर गए, तो भारत को जैसे तैसे छोड़ दिया। सबसे पहला तो 1947 में विभाजन, इसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, हमें तो दो हिस्से ऐसे ही करके चले गए। उसके बाद रजवाड़ों को अलग छोड़ दिया, प्रोविंसेस को अलग छोड़ दिया, और भारत को क्या हुआ, एकदम छितरा के खत्म कर गए। उसमें भी ऑप्शन छोड़ दिया कि कोई पाकिस्तान के साथ चला जाए, कोई हिंदुस्तान के साथ। अब जब हम आज़ाद हुए तो हमारी आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। तो सवाल है कि वॉट वी डिड, हमने क्या किया, हमने उसको रीऑर्गेनाइज, हमें इंडिया को क्या करना चाहता था, एक एक नक्शे के नीचे लेकर आना था, एक जो है वो सिस्टम के अंदर लेकर आना था, एंड दैट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो हमने क्या किया, चाहे कश्मीर का मुद्दा आज देख रहे हो, ये वही कंसोलिडेशन में हुई एक छोटी सी गलती थी जिसकी वजह से आज हमें क्या देखना पड़ रहा है, हमारे कश्मीर में कितने जवान मारे जा रहे हैं। तो सवाल है कि उस समय ऐसा क्या हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन और रिकंसोलिडेशन हमने कैसे किया था, और पूरे भारत को एक साथ लेकर कैसे आया, चाहे वो जूनागढ़ का मामला हो, अभी हाल ही में देखा आपने गोवा के मुद्दे पर दोबारा बात आई, पुर्तगीज का मामला हो। सो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया, एक बहुत कठिन लड़ाई लड़ी। पहले तो हमने उसको क्या किया, पॉलिटिकली कंसोलिडेट किया, बड़ी मुश्किल से। जब पॉलिटिकली कंसोलिडेट हो गए तो फिर उसमें क्या हुआ भैया, पता चला कुछ लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, लैंग्वेज अलग करो,
हुआ? बोले आंध्रा वाली लैंग्वेज अलग, पहला आंध्रा स्टेट था ना जो सबसे पहले लैंग्वेज बेस पे विभाजित हुआ, बोला हमारा लैंग्वेज अलग, फिर लैंग्वेज वो बोला हमारा कल्चर अलग, ठीक है हमारा ये अलग हमारा वो अलग। अब इतनी बड़ा विविधता का देश, ठीक है इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी वहाँ पर, अब सवाल है कि इसको कंसोलिडेट कैसे करेंगे। यहाँ जो आपको पढ़ना है वो ये कि क्या कंसोलिडेशन में हमने निगोशिएशन किया, यानी जब हम एकीकरण करने आ रहे थे तो हमने कोई मोल भाव तो नहीं कर लिया, और मोल भाव की कंडीशन में हम जो है वो प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे। जैसे सपोज दैट जब जो है वो जवाहर वल्लभ भाई पटेल कमेटी बनती है तो वो कहते हैं कि नहीं लैंग्वेज के आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में क्या हुआ आंध्रा को लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड कर दिया, नतीजा क्या रहा उसके बाद हमारे कई स्टेट्स क्या हुए इसी तरह विभाजित हुए। और आज देखो वापस बोडोलैंड का मुद्दा सर पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है गोरखालैंड का मुद्दा सर पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर खालिस्तान की मांग हो रही कि नहीं हो रही है, कोई धर्म के आधार पर, कोई पहचान के आधार पर, कोई लैंग्वेज के आधार पर अपने आप को क्या कर रहा है बहस कर रहा है और बेस बना रहा है कि जब उस समय हुआ तो यहां क्यों नहीं हो सकता। तो सवाल है कि जो हमने निगोशिएशन की है, जो हमने कंसोलिडेशन की कीमत चुकाई वो सही थी या गलत, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा थिंकिंग करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर ही मेंस में क्वेश्चन आ गया था सिंपली कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन जो उस समय हुआ था क्या एक बहुत बड़ी ऐसी गलती थी जिसकी कीमत हम आज चुका रहे हैं, और सिंपल सा क्वेश्चन है यस यू नीड टू रीथिंक दैट। या वास्तव में ये उस समय की मजबूरी थी कि जहां हमने देखा कि नुकसान ज्यादा हो रहा है या फायदा ज्यादा हो रहा है, तो हमने देखा अरे भैया अगर हमने इनको जोड़ के नहीं देखा तो उपद्रवी हो जाएंगे। आज जरा देखो आज कर्नाटक अलग झंडे की मांग कर रहे हैं, लिंगायत हिंदू धर्म से अलग होना चाहता है, वॉन्ट टू सेग्रीगेट फ्रॉम द हिंदू रिलीजन, बोला हमारा सबसे बड़ा है हमारी मान्यता अलग है तो हम हिंदू से ही अलग हो जाएंगे धर्म में। सो सवाल है कि कितना सेग्रीगेट करोगे और इनको कैसे जोड़कर रखोगे। यहां पर कॉन्सेप्ट आता है, एक होता है नेशन और एक होता है स्टेट, और इन दोनों को मिलाओगे सो तुम्हारी जब इंटेलेक्चुअलिटी आगे बढ़ेगी तो तुम्हें दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है नेशन स्टेट और स्टेट नेशन। राज्य राष्ट्र, राष्ट्र राज्य या राज्य राष्ट्र, राइट नेशन स्टेट और स्टेट नेशन, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्सेप्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई। तुम्हें इस पर बहुत फोकस करके रखना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको डिटरमाइन करूं सो अगर नेशनैलिटी का मैं कर्व बनाऊंगा से दिस इज द कर्व ऑफ नेशनैलिटी, ये राष्ट्रीयता, दैट इज द हाईएस्ट मोस्ट कॉन्सेप्ट वेयर यू पुट ऑल योर एनर्जी, द पीपल ऑफ द इंडिया अ पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री पुट देयर होल एनर्जी फॉर अ गोल। राष्ट्र के लोग जो होता है एक मकसद के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को लगा देते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनैलिटी। And here is another curve, and that is a curve of regionality. ये राष्ट्रीयता है और ये क्षेत्रीयता है। So at particular time, your energy must put on a single point. सभी लोग क्या करना होगा, एक लक्ष्य के लिए काम करोगे, बट यहां एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। यहाँ जो मेजॉरिटी की आइडेंटिटी होती है, मेजॉरिटी की आइडेंटिटी वो जो होती है वो सुपर इम्पोज होने लगती है माइनॉरिटी की आइडेंटिटी पे। जो मेजॉरिटी होता है वो ये कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे कल्चर हैं, जो मेरे रीत रिवाज हैं, वही क्या है सही है। अगर मैं कहता हूँ कि फला जानवर मेरी माता है तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी आइडेंटिटी को इम्पोज करने की कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें मार भी दूंगा। आपने लिंचिंग के केसेस सुने पूरे 2 साल में, सुने कि नहीं सुने, सुने मांस के लिए उसकी हत्या कर दी, उसका ये कर दिया, पढ़ा होगा, डेफिनेटली सुना होगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने एक और विवाद सुना होगा कि भारत माता की जय बोलोगे तो तुम राष्ट्रवादी हो, नहीं बोलोगे तुम गैर राष्ट्रवादी हो। तो सवाल है कि हु इज डिसाइडिंग, कौन डिसाइड कर रहा है और किसके लिए डिसाइड कर रहा है। सो यहां पर जब नेशनैलिटी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं सो वहां पर क्या होता है, जो मेजॉरिटी की जो थिंकिंग होती है, मेजॉरिटी की जो सोच होती है, वो माइनॉरिटी के ऊपर क्या हो जाती है, हावी हो जाती है। इसका रिस्क क्या होता है, इसका रिस्क ये होता है कि जो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज होती हैं, मल्टीकल्चरल का मतलब जहां ढेर सारे धर्म के लोग रह रहे हैं, ढेर सारी सभ्यताएं रह रही हैं, वहां पर क्या होता है जनरली मल्टीकल्चरल सोसाइटी में जो माइनॉरिटी होता है वो फियर फैक्टर के साथ होता है, जो अल्पसंख्यक होता है वो कोई भी हो सकता है, वो एक उसके पास एक डर होता है, और इस डर से बचने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को इकट्ठा करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है, और ऐसी कंडीशन में जब ये इकट्ठा होता है तो ये रिटेलिएशन करता है। सो मल्टीकल्चरल सोसाइटी में इस माइनॉरिटी में फियर फैक्टर ना हो इसीलिए इसको ज्यादा राइट्स दिए जाते हैं,
और इसको बोला जाता है कि हम तुम्हारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वी विल नॉट इंटरफेयर इन योर मैटर्स, तब ताकि आप जो मेजोरिटी के माध्यम से बचे रहो, क्योंकि इसको हमेशा ये डर रहता है कि जो मेजोरिटी है वो मेरे क्या करेगा, मेरे कल्चर को खा जाएगा या मुझे एसिमिलेट करना शुरू कर देगा। इसलिए बचाने के लिए क्या होता है, ये अपनी मुट्ठी को और बंद कर लेता है, सिंपल से फेनोमेनन होता है। इसको एश्योर करना होता है कि नाउ वी आर वेरी मच टॉलरेंट और वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, हम बहुत ही सहिष्णु, नाम सुना होगा ना, सहिष्णुता, सहिष्णुता, हमारे राष्ट्रपति को दो दो बार बोलना पड़ा कि हमें सहिष्णु रहना चाहिए, वी मस्ट बी टॉलरेंट। सो यहां पर क्या होता है, इसको ये दिखाना पड़ता है कि हम तुम्हारे ऊपर अपनी कोई भी चीज को इम्पोज नहीं कर रहे। बट समटाइम व्हेन नेशनैलिटी प्रिवेल्स, जब राष्ट्रवाद आता है, अच्छा होता है, ठीक है, राष्ट्रवाद अच्छा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पूरे नेशन की जो पावर होती है, जो उसकी एनर्जी होती है, वो सिंगल पॉइंट पे क्या होती है, कॉन्सेंट्रेट होनी है, और विद इन अ फ्यू टाइम, विद इन वेरी फ्यू स्पैन्स ऑफ टाइम, ये नेशन जो होता है वो क्या होता है, राइज करना शुरू कर देता है, इट राइज रैपिडली। तो हमें भी अगर प्रगति करनी है, हमें भी अगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, सो वी, हम क्या चाहिए, हमें नेशनैलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन नेशनैलिटी एंड जिसे राष्ट्रवाद कहते हैं, और अतिराष्ट्रवाद जिसे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। सो जहां से ये पतली सी लाइन ये खत्म हो जाती है, सो जो नेशनलिस्ट होता है वो रेडिकल हो जाता है। अब क्या हुआ, पहले तो मैं कहूंगा ऐसा करना चाहिए, फिर मैं कहूंगा तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, यू हैव टू डू दिस, ठीक है, तुम्हें यह करना पड़ेगा, अदरवाइज मामला साहब। सो देर इज अ वेरी cloudy situation, very fear factor prevail in the minority, और minority क्या करेगा, retaliate करेगा, ठीक है। So कुल मिलाकर इसका जो outcome होगा वो क्या होगा, fabric हमारा, social fabric क्या हो जाएगा, disturb हो जाएगा, ठीक है, आप अपने ही जाल में फंस जाओगे। So अभी तो तुम्हें हो सकता है कि चीजें बड़ी लग रही हों, लेकिन जब syllabus की ये बातें समझ में आ रही होंगी, तो तुम्हें मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि आने वाले समय में जब तुम newspaper खोलोगे तो शायद ये बातें आज तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेंगी, डेफिनेटली करेंगी, कि हाउ द थिंग्स इज गोइंग ऑन, ये कैसे हो रहा है। सो हेयर अगर हम बात करेंगे, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनैलिटी, डन। सो अभी जो आपको पढ़ना है, व्हाट यू नीड अंडरस्टैंड द नेशन स्टेट एंड द स्टेट नेशन, दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। क्या वास्तव में अगर कर्नाटक ने अपने झंडे की मांग की, अगर तुमसे आज क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कर्नाटक स्टेट नीड अ डिफरेंट फ्लैग फ्रॉम द इंडियन फ्लैग, अब इंडियन फ्लैग लोग कहते हैं भारत माता की बात है भाई, ठीक है, वी आर मदर इंडिया की हम बात कर रहे हैं, बट सवाल है कि क्या होना चाहिए, और देयर इज अ टू ओपिनियन, एक कहेगा हो सकता है, दूसरा कहेगा नहीं होना चाहिए, हमारे पास एक झंडा है। बट द थिंग इज, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, यू नीड टू बैलेंस योर एटीट्यूड, यू नीड टू आइडेंटिफाई वेयर इट शुड बी, वेयर इट शुड नॉट, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इनके बीच में आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट्स देने, और उस आर्ग्यूमेंट्स के लिए आपको कुछ वर्ड्स के साथ प्ले करना पड़ेगा, दैट इज द वर्ड्स ऑफ नेशन स्टेट एंड स्टेट नेशन। क्या वास्तव में ये दोनों चीजें हो सकती हैं, क्या ऐसा जरूरी नहीं कि नेशन स्टेट जो है, राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो रीजनल कॉन्सेप्ट को खा जाए, क्या ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्या अमेरिका ऐसा नहीं करता, राइट। सो अब आप क्या देख रहे हो, जब आप सिलेबस के वर्ड्स को समझना शुरू करोगे, व्हेन यू फाइंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिलेबस, तो तुम्हारा थिंकिंग स्पैन है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और जिस समय तुम ये आर्ग्यूमेंट्स पकड़ना शुरू कर जाओगे, यूपीएससी तुम्हारा है भाई, लिख के ले लो, यूपीएससी तुम्हारा है,